इंटरनेशनल मीडिया से ही आता है, और हमारा मीडिया बेसिकली इन रूमर्स, और सिर्फ जरूरी नहीं है सर, मेरा तो ये मानना है कि रूमर्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि वहां पे अवेयरनेस नहीं है सर, ये भी तो रूमर ही है जो कि इतने अवेयर पीपल है। आप देखिए इतने पढ़े लिखे लोग में मौजूद होते हैं, मतलब के लग रहा होता है कि ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े जेंटल लोग हैं, लेकिन लिटरली वो इतनी छोटी बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हमारा मजहब हमें क्या कहता है। और सर मैं कहती हूँ कि बेसिकली, वैसे मैं आप सर, लेकिन मैं पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को हिफ्स कराने के बजाय एटलीस्ट एक बार कुरान का तर्जमा पढ़ाए। हमें सर पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने कुरान में आकर है क्या, हमारी ये जुबान ही नहीं है। तो बेसिकली हम बस ये जोर देते हैं कि जी बस पढ़ लें नमाज पढ़ लें, लेकिन ये कि बेसिक अल्लाह ताला ने जो हमें जिस कॉज के लिए दुनिया में भेजा है वो तो चीजें ही और हैं। और हम वही बात है जो आपने आगे बताया कि हम क्रिश्चियनिटी को उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उन चीजों को देख रहे हैं जैसे फैशन आता है, जो चीजें हमें लगते थे बस अब इन चीजों को हमें में, और लिटरली लोग आपको ये आपको बॉडी शेमिंग, मैंने एक बार ये चीज नोट की सर मेरे बच्चे स्कूल जाते थे बेकन हाउस, वहां मैं आपको एक ये कोट करूंगी छोटी सी, एक मुझे ये चीज भी फील हुई कि वहां पे जो टीचर्स थी वो अगर उस तरह से नहीं खुद को करती हैं ड्रेसअप तो उनको जॉब नहीं जाती। तो आप ये देखिए जो बेसिक रूट ऑल है ये हर जगह पे है, ये पढ़े लिखे लोगों में भी है, ये जाहिलियत में भी है, ये जो छोटे तबके के लोग हैं उनमें भी है, लेकिन मसला ये है कि बेसिक जो रूमर्स है सर ये पढ़े लिखे लोग ही फैलाते हैं, और ये हमारे ओल्ड पीपल हैं जो कि हम लोग चीजों को पीछे छोड़ के अपनी जो हमारी रूह काम है जिसपे हमारा मुल्क बना उन चीजों को हमने छोड़ दी है अपनी बेसिक। देखिए इसमें तैयबा, मैं अभी बात समझ गया हूँ जी तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप किस लैब तक कहाँ बोल रही हैं मुझे समझ में आ गई। आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे मैंने बात की भी थी कि ये हमारे इश्यूज नहीं हैं, ये इश्यूज उनके होंगे, वेस्ट के होंगे, और रामायण पढ़ने वाले क्यों होंगे, कुरान पढ़ने वालों के इश्यूज नहीं हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने वही बताया था कि एजेंडा सेटिंग होती है, एजेंडा सेटिंग मैंने बात की थी, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना ये एजेंडा सेटिंग करने वालों के पीछे लगे होते हैं, और उसके पीछे बड़ा फाइनेंस होता है, बड़ी इन्वॉल्वमेंट, बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और वो पूरा एक एजेंडा सेटिंग के तहत काम होता है, और फिर उसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ाहिर है मीडिया भी तो पाकिस्तान का जो या किसी मुल्क का है वो इन्फ्लुएंस तो हो जाता है ना, ऑब्वियस है, पैसा लग जाता है उसको, उसके अंदर बाज़ का इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब बाज़ लोग इतनी समझ नहीं पा रहे होते कि हमारे साथ क्या हो गया, वो उनको ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है कि वो कन्विंस हो जाते हैं और पीछे लग जाते हैं। सो मकसद कहने का ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और दूसरी बात, अभी हम बात करते हैं जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, मतलब सास बहू का मसला आता है या बेटों की तरबियत का मसला आता है, आप मुझे बताएं, मेरे घर में मिसाल है, मेरा बेटा जो है वो अब अपनी माँ के ज़्यादा करीब है, और अमूमन ऐसा ही होता है, बेटियाँ अमूमन बाप के करीब होती हैं, लेकिन करीब होती हैं, लेकिन कहते हैं बेटियाँ माँ का अक्स होती हैं, बाप से करीब होती हैं लेकिन बेटियाँ माँ का अक्स होती हैं, नंबर एक याद रखिएगा। नंबर टू, बेटे हमेशा माँ के लाडले होते हैं, और आपने कभी गौर किया अगर माँ उन्हें बताना शुरू कर दे बचपन में, वही माँ जो बाद में सास बननी है, यानी वही माँ, उसकी एक डबल कंट्रडक्शन नज़र आएगी उसकी उसकी तरबियत में, वो कहेगी अगर उसकी बेटी जब उसकी शादी करेगी, बेटी जो है अब बेटी की शादी करेगी तो उसे कहेगी अपने खामद को कंट्रोल में रखना है, और सास की बात नहीं माननी, माँ उसे कंट्रोल में रखना है, और जब उसकी वो किसी और की बेटी उसके घर में आएगी तो अगर बेटा उसकी तरफ जाएगा तो कहेगी मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू कर लिए। यानी अजीब अजीब लतीफ़ा है, ये अजीब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसी पर इसका मतलब है तरबियत में माँ का रोल बड़ा अहम है। अगर बेटा बुरा है, बेटा औरतों को बुरा समझ रहा है, तो उसमें माँ का अपना रोल बड़ा अहम है। अगर माँ उसको समझा देगी बचपन में कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो वो बेटे की तरबियत खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। तो याद रखिएगा सोसाइटी के अंदर ज़्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ है ये इस किस्म की तरबियत, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एक बच्ची की तरबियत है वो पूरी एक कौम की तरबियत होती है, एक मुआशरे की तरबियत होती है, जो एक मर्द की तरबियत है वो उस अपनी तरबियत होती है उसकी। इसलिए हमें माओं को एजुकेट करना है, बच्चियों को एजुकेट करना है, बच्चियाँ एजुकेट होंगी तो अच्छे घर बनेंगे, अच्छी सोसाइटी बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है जी।